ओके बेटा, आज के सेशन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि हमारे पास जब हमने बूटस्ट्रैप को डाउनलोड कर लिया, विद सीडीएनएस भी हमने सीख लिया कैसे यूज करते हैं, बूटस्ट्रैप है क्या, हमने ये भी पढ़ लिया। तो आज हम एक्चुअल में ट्राई करेंगे कि एक स्टार्टर टेम्पलेट होता है जिसके थ्रू भी आप इन चीजों को परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें सारी आप समझ लें कि बेसिक फंडामेंटल गिवन होती है। तो बूटस्ट्रैप 5 लिखें, और बूटस्ट्रैप 5 लिखने के बाद आपने उसकी वेबसाइट पे जाना है। बेटा जब आप इसकी वेबसाइट पे जाते हो तो बिल्कुल राइट में आपको स्टार्टर टेम्पलेट नजर आ रहा है, इस पे करेंगे आप क्लिक। तो ये आपका स्टार्टर टेम्पलेट है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि बी श्योर टू हैव योर पेजेस सेट अप विद लेटेस्ट डिजाइन डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स व्हाटएवर। यानी ये कुछ आपकी बेसिक फंडामेंटल है जिसके अंदर बूटस्ट्रैप के सीडीएन अप्लाई है, बूटस्ट्रैप को किस तरह आप कोड करोगे उसकी हर एक चीज वो क्या है मेंशन है। तो आप इस स्टार्टर टेम्पलेट को उठाएं, अगर आपके पास इंटरनेट है तो फिर आप सीडीएन इसमें इंक्लूडेड है ऑलरेडी, सही है। आपको कहीं से जाके ना उसको डाउनलोड करना है ना कुछ करना है, बस कॉपी किया पेस्ट किया, सबसे क्लियर। सीडीएन लगे हुए, एचटीएमएल लगा हुआ, सेव किया इसको, राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर या हमारा डिफॉल्ट वेब ब्राउजर जो भी है उसमें इसको चला के देख ले। तो ये बेसिक टेम्पलेट है जो हमारा इज अ बूटस्ट्रैप 5 का गिवन। 3 में भी मिलेगा आपको ये, 4 में भी मिलेगा, जितने भी वर्जन है उनमें आपको स्टार्टर टेम्पलेट मिलता है। अब उस स्टार्टर टेम्पलेट के थ्रू आप बेसिक समझ ले जो चीजें हैं उनको आप खुद मैनेज नहीं करेंगे, ऑलरेडी इसमें मैनेज है। तो इसमें हेलो वर्ल्ड वगैरह लिखा हुआ आपको ये नजर आ रहा हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके अंदर आप जो चाहें उसको मैनेज कर सकते हैं। मैं सबसे पहले यहां आता हूं और चीजें कुछ मैनेज कर लेता हूं। सपोज हमने अगर बूटस्ट्रैप के अंदर बटन्स वगैरह बनाने हैं तो किस तरह से बनाएंगे, B5 माइनस, यहां पे अगर मैं बटन लिखता हूं तो बटन भी आ जाएंगे, लेकिन मैंने कहा था अभी ये हिंट हम यूज नहीं करेंगे वीएस कोड के, क्योंकि वीएस कोड के अंदर जो इन लोगों ने एक्सटेंशन दी है वो अभी तक कंप्लीट नहीं है, तो हमें एज इट इज खुद लिखना पड़ेगा, इसके क्लासेस खुद लिखने पड़ेंगे। यहां पे आ जाओ, आपके पास अगर आप कंटेंट में जाते हैं तो कंटेंट में भी आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं या बाकी चीजें। मैं बटन्स की बात कर लेता हूं, बटन तो बूटस्ट्रैप 5 के जो बेसिक बटन है वो आपके ये सारे गिवन है, श्योर है, सही है। इनके कुछ बेसिक कलर कंट्रास्ट जो है बटन्स के हिसाब से जो गिवन है वो ये है। अब इनको किस तरह से यूज कर सकते हो आप, यहां पे आके खुद लिखोगे आप बटन टाइप बटन, उसके बाद आपने यहां पे आके क्लास, क्लास के अंदर दो क्लासेस हैं बटन के जो आप बेसिकली यूज करते हो, btn फिर btn जो भी कलर आपको पसंद हो। अगर आप देते हैं प्राइमरी तो वो आपका ब्लू कलर का बटन होगा, सही है, जिसको आप कहेंगे प्राइमरी। सेव दिस, और यहां पे आके अगर आप देखेंगे तो आपको एक प्राइमरी बटन शो हो जाएगा। बटन का नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन क्लास का नाम क्या रखेंगे, btn btn प्राइमरी। ये दो क्लासेस की कॉम्बिनेशन से बटन बनता है, सही है। यही बटन हमें css के अंदर खुद बनाना पड़ता, शायद इसमें हमें बनाने में 3 मिनट 5 मिनट लग सकते, वही चीज हमें 2-3 सेकंड में हो रही है, क्लियर हो गया। तो इन फ्यूचर इफ यू नीड सच काइंड ऑफ बटन तो हम वो यूज कर लेंगे। तो इसके सारे कोड इसी तरह होंगे, btn btn सेकेंडरी, btn btn सक्सेस, सक्सेस का मकसद क्या है हमारा, ग्रीन, सेकेंडरी कलर ये है थोड़ा सा डार्क टाइप, उसके बाद हमारे पास है डेंजर यानी रेड कलर, वार्निंग हमारे पास इज अ ये ऑरेंज टाइप का है, इन्फो हमारे पास क्या है ये सियान कलर है, लाइट आपको मिलेगा इस तरह से, सही है। इसी तरह हमारे पास डार्क है, ब्लैक नजर आ रहा है, या बटन को आप लिंक बना सकते इज अ लिंक, तो आपको ये भी मिल जाएगा। बटन को लिंक बना लो या लिंक को बटन बना दो, हम कर सकते हैं, एंकर होता है ना एंकर, उसको भी बटन बना सकते हैं, कौन सा क्लियर हो गया। अभी मैं ये सारे कॉपी कर रहा हूं क्योंकि ये लिखने की जो है वो जरूरत है नहीं, सिंपल से है बस, बटन का टैग उसमें क्लासेस लिखने और क्या है, सेव किया यहां पे आके चला गया, कौन सा क्लियर हो गया। अब कोई लिंक है उसको आप बटन बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। सपोज आपने लिखा एंकर, हाइपर रेफरेंस में अभी कुछ नहीं दे रहा मैं, और यहां पे आके एंकर को क्लोज कर देता हूं, मैं कह देता हूं दिस इज योर लिंक,
सही है, अभी आपको ये लिंक ही नजर आएगी। श्योर ही, बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। मैं इसको न्यू लाइन पे कर देता हूं ताकि बटन को, इसने लिंक बनाया हुआ ना, तो लिंक को बटन वाइस वर्सा कर सकते हो। अभी यहां श्योर ही लिंक, इसको बटन बनाना है, तो सिर्फ क्या करेंगे, क्लासेस पे डिपेंड करते हैं हम। क्लास btn और btn क्या बना देते हो आप इसको, सपोज डेंजर, तो ये क्या बन जाएगा, बटन बन जाएगा। अब देखें, लिंक बटन बन चुका, कौन सा क्लियर हो गया। इस तरह की चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आपके कुछ और क्लासेस हैं जिनको आप मोस्टली यूज कर रहे होते हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। ये तो थे बेसिक बटन वगैरह जिनको आप यूज करते हैं। इसी तरह बेटा हमारे पास कुछ अलर्ट्स के बने, अलर्ट शोर है, ये देखिए सिंपल अलर्ट, ठीक है। ये समझ लें, अगर कोई आपके पास मिस्टेक करते हो आप, या फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, तो एक अलर्ट शो करवाते हैं ना यूजर को कि लॉगिन सक्सेसफुली, साइन अप सक्सेसफुली होता है ना, इस तरह के अलर्ट्स के लिए ये अलर्ट होते हैं हमारे पास, सही है। इनको किस तरह लिखते हैं, ये आपको शो हो रहा है, देखें डिव को, अच्छा डिव को भी बटन बना सकते हो, कौन सा क्लियर हो गया, डिव को भी बटन बना सकते हैं। इवन अगर आप यहां पे आते हैं ना, एक डिव बना ले, आपने लिखा डिव, जिसके अंदर क्लास आप जो चाहे बना सकते हैं। मैंने डिव बनाया, डिव का नाम इसके अंदर मैं लिख देता हूं और टेस्टिंग डिव, और मैं यहां पे आके क्या कर देता हूं, क्लास, अभी देखें ये आपको खाली टेक्स्ट ही नजर आएगा, श्योर है नीचे टेस्टिंग डिव। मैं काम कर लेता हूं, यहां पे आके इसके ऊपर एक क्लास अप्लाई कर देता हूं। क्लास क्या है जी, btn, btn कौन सा, सपोज प्राइमरी, सेव दिस, तो आप देखेंगे डिव भी क्या बन चुका है। तो किसी भी पैराग्राफ को बटन बना सकते, कौन सा क्लियर हो गया, किसी भी चीज को आप सिर्फ क्या क्लास अप्लाई करेंगे, वो उस तरह से अपने आप को कन्वर्ट कर देंगे, कौन सा क्लियर हो गया, चाहे वो डिव हो, पैराग्राफ हो, एच वन हो, एच टू हो, हेडिंग्स पढ़े ना, इनको भी आप कन्वर्ट कर सकते, सही है बेटा, ठीक है। इस तरह से उसके बाद हमने स्पेन वगैरह पढ़े हैं, उन चीजों को भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अभी बात करते हैं अलर्ट्स की। अलर्ट्स, और मैं इसको ब्रेक कर देता हूं ताकि न्यू लाइन पे नजर आए, सेव दिस। यहां अब देखें ये अलर्ट किस तरह से बनाता है, इसी तरह जैसे बटन आप बनाते थे ना, btn फिर लिखते थे btn प्राइमरी, अब क्या लिख रहे हैं, अलर्ट, अलर्ट प्राइमरी, कौन सा क्लियर हो गया। इसी तरह दूसरा अलर्ट आपको सेकेंडरी मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, डेंजर मिलेगा, वार्निंग मिलेगा, इन्फो मिलेगा, लाइट मिलेगा, डार्क मिलेगा, ये सारे आपके क्या है बेटा, अलर्ट है, सही है। इनको आप करेंगे कॉपी, कॉपी करने के बाद यहां लाएं और इसको चेक करके देख लें, बटन्स की तरह ही है, सेव किया और यहां पे आके रिफ्रेश किया, तो ये सारे अलर्ट शो रहे हैं आप, सही है। कोई फॉर्म सबमिट होता है तो फिर आपके इस तरह के अलर्ट हम यूजर को दिखा सकते हैं कि फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, योर रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इस तरह के अलर्ट होते हैं ना वेबसाइट्स के ऊपर, तो हम इस तरह के अलर्ट्स को यूज करके वो मैसेजेस यूजर को शो कर सकते हैं। इसकी साइज छोटी मोटी हो सकती है या अभी फुल साइज में, कौन सा क्लियर हो गया। सपोज इनको अगर मैं सिर्फ समझाने के लिए, अभी मुझे ग्रिड लेआउट, लेआउट सिस्टम पढ़ाना है, ग्रिड लेआउट कहते हैं उसको, या ग्रिड सिस्टम कहते हैं, वो पढ़ाता हूं मैं, लेकिन अभी के लिए अगर मुझे इसको सेंटर में लाना है तो मैं डिव बनाता हूं, क्लास अप्लाई कर देते हैं सेंटर, सॉरी क्लास कंटेनर अप्लाई करते हैं, सेंटर नहीं, इस डिव को मैं बिल्कुल लास्ट में क्लोज करूंगा। कोशिश करें आपके जो भी डिव आप बनाए उनकी क्लोजिंग लाजमी डिफाइन करें, ऐसा ना आप सोचें कि भाई बाद में डिफाइन करूंगा तो आपके लिए मसले क्रिएट हो। कौन सा क्लियर हो गया, ये हो चुका। तो हमारे पास अभी देखें ये लेफ्ट और राइट से सेंटर में आ रहा है थोड़ा, क्लास कंटेनर इस तरह से काम करता है। इसी तरह और भी कुछ क्लासेस हैं जो हमारे परफॉर्म होते हैं, यहां तक कौन सा क्लियर है सबको, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास कुछ और चीजें भी हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि यहां पे आके अलर्ट्स को और थोड़ी चीजें हैं वो कवर कर दें। ये देखिए होता है ना, आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली, अब आप लॉगिन करें तो एक लिंक गिवन होती है, तो उस तरह के भी हमारे क्या है, अलर्ट।
जिनमें एक लिंक भी बनाया हुआ है। आप देखें सिंपल सा कोड किया हुआ इसने, क्या बनाया हुआ है देखें, ये जो इसने अलर्ट बनाया था, अलर्ट अलर्ट प्राइमरी श्योर है डिव, इसी के अंदर ये जो टेक्स्ट लिखा है ना, सपोज मैं यहां पे कुछ भी लिख के, चले मैं एक काम कर लेता हूं, एक आपको बना के दिखा देता हूं, कॉपी दिस, मैं यहां आता हूं बिल्कुल लास्ट में, इसको हम यहां से सॉरी यहां से मैं ब्रेक कर देता हूं, तो एक एच वन लिख देते हैं जिसके अंदर लिख देते हैं ट्राइंग न्यू अलर्ट्स, सेव दिस, यहां पे आके मैं पेस्ट कर देता हूं। अब अभी तो देख लो ये किस तरह से दिख रहा है, बिल्कुल लास्ट में देखें ट्राइंग न्यू अलर्ट्स के नीचे शोर है। अब ये किस पर्पस के लिए यूज होता है नीचे वाला अलर्ट, आपने फॉर एग्जांपल यूजर को बोला कि भाई आप साइन अप कर लो, तो आप यहां पे एक मैसेज दिखाते हैं ना, क्या दिखाते हैं, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, सही है, क्लिक टू लॉग इन होता है ना, कि आप क्लिक करके यहां पे क्या कर ले, लॉग इन कर ले, तो मैं यहां पे आके लिख देता हूं लॉग इन, और यहां पे आप लॉग इन ना लिखे, और बाकी का टेक्स्ट जो है वो आप भले हटा दें, यानी एक स्टेप आप कंप्लीट कर देते हो, यूजर को एक फिर नई लिंक दे देते हैं कि सेकंड स्टेप ये है, कौन सा क्लियर हो गया, ये अलर्ट उस पर्पस के लिए होता है। सेव करते हैं, यहां आते हैं नीचे देखें, इस तरह से होता है ना आपके पास कि यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली क्लिक टू लॉग इन, क्लिक करेगा अब इस एंकर के थ्रू आप लॉग इन वाले पेज पे भेज देंगे, कौन सा क्लियर हो गया, तो बाकी के ये जो अलर्ट है वो आपके इस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। इन लोगों ने काम इजी कर लिया हमारे लिए कि आपकी ये सारी कोडिंग भी अवेलेबल है, आप खुद कोड ना करें, बस यहां से क्या करें कॉपी पेस्ट करें, सेव दिस। अब आपको कलर भी मर्जी के गिवन है, जो दिल करे कलर यूज करो, कौन सा क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। आप इसको यहां पे आके देखें कितनी वैरायटी कलर्स की गिवन है, जाहिर है कहीं ना कहीं जाके आपके टेम्पलेट की कलर कंट्रास्ट के मुताबिक कोई अलर्ट तो बेहतर होगा ना, ये 5-10 कलर इसीलिए दिए हुए हैं कि पॉसिबल है कि आपका जो लेआउट है उसके कलर की स्कीम क्या है, कलर स्कीम होती है ना कि आप क्या कलर कंट्रास्ट अपने फॉलो कर रहे हो अपने लेआउट के अंदर या उस टेम्पलेट के अंदर, तो उसके हिसाब से जो कलर कंट्रास्ट आपके लिए बेहतर हो वो उठाओ यूज करो, कौन सा क्लियर है। इनसे भी काम नहीं होता, आप इसको, ये ओपन सोर्स प्रोडक्ट है, आप मॉडिफाई कर सकते, समझाया ना मैंने कि आप इसके ये जो अलर्ट्स वाले क्लासेस, बटन वाले क्लासेस, जो डेंजर का काम कर रहा है रेड के लिए, आप डेंजर से जो है वो ऑरेंज पिंक जो चाहे करवा सकते, करके दिखा दूं, ठीक है। अभी CDN यूज करें, अगर हम डाउनलोड करके यूज करते तो हम उसके सेटअप में जाके चेंजेस कर सकते थे। CSS के अंदर जाओ, बट BTN प्राइमरी कलर क्लास ढूंढो, उसके अंदर लिखा होगा कलर कौन सा, ब्लू वाला, हटा के दूसरा दे दो, सिंपल। तो ये थे कुछ बेसिक अलर्ट्स, बटन्स और ये सारी चीजें, नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और पढ़ते।